हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब पहली 10 आयत। और वो दरबा और लुस्त्रा में भी पहुंचा और देखो वहां तैमताउस नामी एक शागिर्द था जिसकी माँ यहूदन थी जो ईमान ले आई हुई थी मगर उसका बाप गैर कौम से था। और वो लुस्त्रा और कुनिया के भाइयों के नज़दीक नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि उसे अपने साथ ले चले, तब उसे लिया और यहूदियों के सबब जो उन जगहों में से थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि उसका बाप गैर कौम में से है। और जिन जिन शहरों में से वो गुज़रते थे वो अहकाम पहुँचाते जाते थे जो रसूलों और काहिनों ने यरूशलेम में वास किए थे ताकि उन्हें अमल में लाएं। पस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गईं। जब वो फ्रोजिया और गलांतिया के इलाके में से गुज़रे तो रूह कुदस ने उन्हें मना किया कि आसिया में कलाम ना सुनाएं। और मोसिया के करीब पहुंचकर उन्होंने बतोनिया में से जाने की कोशिश की मगर रूह यसू ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मोसिया में से गुज़रकर तरवास में आए और पौलुस ने रात को रोया देखी कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर और मकदूनिया में आकर हमारी मदद कर। और जूं ही उसने ये रोया देखा तो उसी दम हमने मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हमें यकीन हो गया कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए हमें बुलाया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।